आगामी चुनाव को लेकर वैसे तो बीजेपी सभी राज्यों में नजरें गढ़ाए हुए हैं, लेकिन पार्टी का खास फोकस उत्तर प्रदेश में है। तभी तो यूपी को लेकर पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। 2014 जैसा इतिहास दोहराने के लिए पार्टी यहां पीएम मोदी को उतारेगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने हर महीने प्रदेश में मोदी की एक रैली कराने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत अब अगले महीने आजमगढ़ में पीएम मोदी की रैली का आयोजन किया जा रहा है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। न केवल भौगोलिक बल्कि राजनीति के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश सभी पार्टियों के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। ऐसे में इन सीटों पर कब्जा करने के लिए सभी दल पुरजोर कोशिश करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 80 में से 73 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। इतिहास दोहराने के लिए अब बीजेपी ने एक बार फिर कमर कस ली है। यूपी के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है, जिसके तहत वो सूबे में हर महीने पीएम मोदी की रैली का आयोजन करने जा रही है, ताकि मोदी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच रहें और सरकार की उपलब्धियां उन तक पहुंचा सके। मगर में पीएम मोदी की रैली के साथ ही बीजेपी ने अपने मिशन 2019 का आगाज भी कर दिया है। वहीं बीजेपी पीएम की अगली जनसभा की तैयारियों में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अब मोदी अगले महीने जुलाई में सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से हुंकार भरेंगे। हालांकि इस रैली की तारीख अभी तय नहीं हुई है। बीजेपी इस रणनीति के जरिए सूबे को मोदीमय करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या पीएम की इन रैलियों से जनता की नाराजगी दूर हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी से किस कदर नाराज है, उसकी तस्वीर हमें यूपी उपचुनाव में देखने को मिली थी, जहां जनता ने सीएम और डिप्टी सीएम के गढ़ में ही बीजेपी को हार का स्वाद चखा दिया था। ऐसे में बीजेपी की ये रणनीति अब क्या रंग लाती है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।